आज एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर दिखाते हैं। ये है कंपनी का नाम है वीगार्ड। वीगार्ड में देखेंगे ये स्टेबलाइजर जो है, इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर दिखा दें। ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर मॉडल नंबर है BG50 और कैपेसिटी है 2 एम्पियर। और ये वर्किंग रेंज है इसका 135 वोल्ट AC, ठीक है, 135 वोल्ट AC से 280 वोल्ट AC यानी मैक्सिमम। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। और यहाँ पर देखेंगे इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस जो है 2.5%, और टाइम डिले इसका है 2 मिनट से 4 मिनट, यानी 4 मिनट। एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो ये 1 रेफ्रिजरेटर अप टू 300 लीटर, यानी एक फ्रिज के लिए ये बनाया गया है, जो कि जिसका 300 लीटर के लिए फ्रिज का जो कैपेसिटी होता है 300 लीटर, उसके लिए ये डिज़ाइन है। और कंपनी का नाम वीगार्ड। अब चलिए इसके अंदर दिखाते हैं। ये इसका ट्रांसफार्मर है, जहाँ पे ये यहाँ इसका रेंज दिया है, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4 यानी येलो, ब्लू, वाइट और ये ब्लैक। यहाँ पे जो है 4 वायर इधर से निकले हैं और 2 वायर यहाँ पे और 2 वायर नीचे। अब इसका अगर रेंज देखेंगे तो ये 0 वोल्ट से 212 वोल्ट ब्लैक हो गया, यानी ब्लैक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये न्यूट्रल होगा, और फिर येलो यानी यहाँ तक का। अब ये यहाँ देखेंगे ब्लू, तो ये रेंज जो है 0 से 212, 212 से 230, फिर 1 वोल्ट से वो 250 वोल्ट, ठीक है, ये लास्ट में वाइट। अब नीचे अगर देखेंगे तो 0, 0, 14 यानी 0, 14.8 यानी 14.8 वोल्ट। अब इसका अगर कलर देखेंगे वायर का तो ये ब्राउन ब्राउन दिया है, तो ब्राउन ब्राउन यहाँ पे है, जो कि 14.8 वोल्ट ये जो है इस PCB में इसकी वर्किंग वोल्टेज के लिए जाता है, PCB को काम करने के लिए फीडबैक के रूप में। यहाँ मेन इन होता है। अभी हम सर्किट डायग्राम में क्लियर करते हैं। ऐसे देखें, ये 2 रिले यूज किया गया है और जिसमें ये वायर जुड़े हैं ट्रांसफार्मर से। T1 वाइट कलर है और P in यानी यहाँ पे ये फेज इन होता है, जैसे न्यूट्रल और फेज इन होता है इनपुट, तो ऐसे ये जो है यहाँ पे इनपुट होता है। और यहाँ पे अगर आएंगे आगे, T1 येलो हो गया, T2 ब्लू हो गया, और P out यानी फेज आउट, ये आउटपुट के सॉकेट में जाएगा ऑरेंज वाला, और ये न्यूट्रल है ब्लैक कलर का। अब चलिए आगे दिखाते हैं। ये है इसका सर्किट। यहाँ PCB का जो है ये डाउन साइड बॉटम का है, ये कंपोनेंट साइड का SMD पे डिजाइन है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है 324 IC से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर 2 रिले यूज किए गए हैं और 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। एक ट्रांजिस्टर ये है, एक मिनट, एक ट्रांजिस्टर ये है और एक ट्रांजिस्टर ये है, दोनों रिलों को ड्राइव करने के लिए। अब चलिए डायग्राम में दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, जैसे ये ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे हमने जो है इसको इस तरीके से डिजाइन किया है। और ये रिले है, एक रिले ये है, एक रिले ये है, तो ये दोनों रिले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, जिसका नंबर है 1FW, एक ये है और एक ये है। और यहाँ पर देखें, जैसे ये है इनपुट यानी पी इन के बाद यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है 220K, ऐसे यहाँ पे न्यूट्रल जो इन हुआ है, यहाँ पे 220K रजिस्टर लगा हुआ है, जहाँ पे इसको जो है 2 डायोड से जोड़ा गया है, एक पे एनोड एक और एक पे कैथोड यहाँ पे आउट हो रहा है, एक ये है और एक ये है, यानी फेज से जो इन हो रहा है यहाँ से इस दोनों डायोड से और न्यूट्रल से यहाँ से, फिर दोनों को प्लस प्लस मिला दिया गया है और माइनस माइनस मिला दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस एक ये है
और एक ये है, यानी न्यूट्रल से ये है, फेस से ये है। अब इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, 324 आईसी पे डिज़ाइन है, जो इस तरीके से एक SMD आईसी है, ठीक है। ये अभी मैंने ऐसे रफ किया है और इसको थोड़ा सा क्लियर करने में टाइम लगेगा, तो ये और परफेक्ट इजी तरीके से दिखेगा। अभी हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऐसे खींच दिया है। यहाँ ये ब्राउन ब्राउन इन होता है, जो यहाँ पर देखेंगे ये है, ये वाला वायर, ये वाला वायर जो है ये है। फिर यहाँ से ब्रिज बनाकर ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इससे प्लस माइनस बना लिया जाता है। फिर एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ पे जो है एक जीनर लगेगा, जो इसको VCC सप्लाई दिया जाएगा, जो IC को वर्किंग करने के लिए सप्लाई, माइनस और प्लस पिन नंबर एक यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है।